यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी इन गलतियों को करते हैं ना, तो आपका YouTube चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा और आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और आपका YouTube चैनल बर्बाद हो जाएगा अगर आप इन गलतियों को करते हैं। तो मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको आप करते हैं और इनको आप नहीं करेंगे तब जाकर आप YouTube पर सक्सेस पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी YouTube पर इन गलतियों को करते हैं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज हो भी जाता है तो भी आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें आप करते हैं, चाहे आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हो या फिर आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया हो, ये सब होने के बाद भी अगर आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर सोचिए आप कैसा लगता है जब आपको 1 साल मेहनत करने के बाद आपका चैनल हमेशा के लिए ही डिलीट कर दिया जाए, या फिर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया फिर भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो सोचिए आप कैसा लगेगा आपको जब आपकी इतनी मेहनत करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल रिजेक्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो कैसा लगेगा आपको। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से ही आपका यूट्यूब चैनल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है या फिर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जब आपका यूट्यूब चैनल पर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स या 1200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, तब आपको अपना जब आपका यूट्यूब चैनल कुछ बड़ा सा दिखने लगता है, तब आपको वहाँ पर एक फीचर मिलता है दोस्तों कॉपीराइट का। तो चलिए हम आपको वहीं पर अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो बहुत सारे लोग करते हैं और अपने चैनल को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करवा देते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए हम आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर अपना यूट्यूब चैनल खोल कर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जब आप गूगल क्रोम पर अपना YouTube चैनल खोलते हैं तो आपको जब आप अपने स्टूडियो में आते हैं तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देता है कॉपीराइट। कॉपीराइट के ऑप्शन पर या फीचर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप कॉपीराइट वाले फ़ीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है कि जो मेरी वीडियो हैं वो किन किन लोगों ने डाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मेरी वीडियो हैं, मैंने ये वीडियो बनाई थी कंप्यूटर सीखें घर बैठे बैठे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी वीडियो 100% इसने पूरी की पूरी वीडियो ही उठाकर डाल दी, इसके चैनल पर मेरी वीडियो थी लेकिन इसने डाल दी। अब ये क्या होगा, जब भी इसके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे या फिर कब भी होंगे, फिलहाल तो इसने वो वीडियो उड़ा दी है क्योंकि डिलीट कर दिए, नहीं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने 10 नवंबर 2021 को लक्की सिंह नाम से एक चैनल है और इसने मेरी वीडियो को अपलोड कर दिया था, यानी पूरी की पूरी वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो दूसरी वीडियो भी यहाँ पर इसने अपलोड कर दी थी, ठीक है। तो आपको गाइज ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप दूसरे के चैनल पर जाकर उसकी वीडियो को डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल पर डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। और आपका चैनल पर अगर उस बंदे ने आपको स्ट्राइक दे दी, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, तो फिर आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि आपका जो रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा, अगर आप उसकी वीडियो को अपलोड करेंगे, बार बार अपलोड करेंगे, दूसरों की वीडियो को आप अपलोड करेंगे, तो फिर आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये बात तो आपको याद रखनी होगी कि आप ये मत सोचिए कि यार हम जिसकी वीडियो डाल रहे हैं उसे पता नहीं चलेगा। ये बात तो आप अपने दिमाग में से ही निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि उसे सब पता चलेगा। यहाँ पर मैच हो जाएगा कि किसने आपकी वीडियो डाली है, किसने कितनी परसेंट डाली है, ये भी वो यूट्यूब बताएगा उसको कि ये आपकी वीडियो है और इसने इतनी इतनी आपकी वीडियो डाली, पूरी डाली है तो पूरी 100% बताएगा, अगर 50% डाली है तो 50% बताएगा, जितनी भी आपने उसकी वीडियो को यूज़ किया है उसका परसेंटेज यहाँ पर बताएगा। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप भी दूसरों की वीडियो डालते हैं, दूसरों का म्यूज़िक डालते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा दोस्तों। चाहे आपके सब्सक्राइबर्स कितने ही आ रहे हो या आपका वॉच टाइम 4000 घंटे, क्या आपका वॉच टाइम भले इसे 8000 घंटे का हो गया हो, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने दूसरे का वीडियो डाला हुआ है। अब आपका चैनल कहाँ से मोनेटाइज होगा, वो तो दूसरे का कंटेंट है। तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा अगर आप दूसरे की वीडियो डालते हैं। अगर खुद का वीडियो बनाएंगे और खुद का कंटेंट होगा तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो मैंने ये गलती आपको बताई है, अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा दोस्तों, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा अगर मोनेटाइज हो भी रहा है तो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले।